रोस्टर ओके आ सकता है अगर निकल ले भाई कॉमन है सबके घर में होता होगा बट मेरे घर में नहीं था अभी कर लो सब अभी कर लो Hey guys, welcome back to my channel. This is Sonia Chauhan and if you are new to my channel then please consider subscribing to it. And if you are already a subscriber then thank you so very much for watching my videos and supporting me. So this is a haul video. मैं recently अभी कल ही गई थी DLF Mall Noida because I stay in Noida. So this is the nearest mall because बहुत time से मैंने शॉपिंग नहीं की थी ऑफलाइन ऑनलाइन तो यस बट जो ऑफलाइन शॉपिंग करने का एक मज़ा होता है वो मुझे नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से कि बहुत टाइम हो गया था तो आई थॉट कि जस्ट गो एंड जस्ट रिलैक्स शॉपिंग एंड थॉट ऑफ बाय सम हाउसहोल्ड थिंग्स सो मैं मिनीसो गई और मार्केट 99 गई सो एक्चुअल में मुझे मिनीसो ही जाना था आई नेवर वेंट टू मार्केट 99 सो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज ऑसम आई एम वेरी मच हैप्पी विद मार्केट 99 देन मिनीसो एंड उसका एक रीज़न ये था कि मिनीसो में ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं थी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा एक शोरूम था लेट्स स्टार्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑलराइट सो द फर्स्ट थिंग आई परचेज फ्रॉम देयर इज हेयर ब्रश जो मेरे पास नहीं था और दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी ब्रश यू कैन सी इस अच्छे से अंदर भी जा रहा है So this is very good quality brush I bought from there. बाल होते हैं बहुत ही ज़्यादा tangle वाले हो जाते हैं इनको छोटी जो क्या बोलते हैं उसको छोटे मुँह वाली या दांत वाली जो combs होती हैं उससे बहुत ज़्यादा hair खींचते हैं और मुझको hair fall का बहुत ज़्यादा problem हो रहा है आजकल तो I thought of why not buying a good hair comb. So I bought a hair brush. So I just found it very nice and very soft. इसका price on MRP 360 actually 360 का ही मुझे मिला. There was no discount. So I thought okay fine. I'm happy with this purchase. So yeah. Second purchase I bought is so this is the hooks I bought. So एक्चुअली मुझे जो हुक्स मुझे चाहिए थे जो छोटे छोटे वो वहाँ नहीं दिख रहे थे और जो थे भी वो बहुत ही ज़्यादा वो बच्चों वाले टाइप से थे मुझे वो नहीं पसंद आए तो आई थॉट कि चलो ये ही ले लेते हैं ये तीन वाला ही पैक था तो मैंने तीन ही लिए हालांकि मुझे ज़्यादा लेने थे बट मैंने नहीं लिए तीन के 190 पे करना विच वॉज वेरी कॉस्टली मैंने सोचा जस्ट डोंट थिंक मच एक ही ले लेती हूँ जस्ट ट्राई कर लेती हूँ आई थिंक क्वालिटी इज़ गुड बिकॉज थोड़ा सा बड़ा है सो इसमें थोड़ा सा भारी सामान भी आ सकता है बट द मैक्सिमम लोड इज़ 1 kg इसमें 1 kg ही आप लोड कर सकते हो आई एम ओके विद दिस परचेज बट यस देर वॉज नो डिस्काउंट एट ऑल सो दिस वॉज अ लिटल थिंग जो मुझे थोड़ा सा लगा कि होना चाहिए था बट इट्स फाइन नेक्स्ट परचेज इज This mats and इसमें मार्वल लिखा है for
कैप्टन मार्वल ऑफ कोर्स, ये भी किड्स, मोर ऑफ किड्स का ही लग रहा था कि उनके लिए है ज़्यादा, तो बट मैंने ले लिया बिकॉज मुझे चाहिए था खाना वगैरह खाने के लिए, मैट चाहिए थे। 360 के दो थे, एक पेयर इसका मतलब दो ही थे, तो मैंने सिर्फ दो लिए। सिक्स का भी था तो मैंने वो देखा ही नहीं, क्योंकि हम दो ही लोग रहते हैं तो दोनों के लिए इट्स ओके फाइन। 360 का था बट इसकी क्वालिटी वाइज इट्स गुड, कपड़ा नहीं है, कुछ प्लास्टिक सा है और आई लाइक इट, काम चलाने के लिए अच्छा है, कभी खाना होता है बेड में भी कभी खाना होता है तो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, नहीं मिल रहा था कहीं, तो जब मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे तो आई जस्ट बॉट इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। सो यस, दिस इज़ द थर्ड परचेज। नाउ दिस इज द सेंट कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स यू कैन से, राइट? या सो दिस इज सेंट कैंडल्स। इसकी इतनी अच्छी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, लुक्स लाइक दिस। इसके अंदर 6 कैंडल्स है छोटी छोटी और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। ये कभी भी मतलब आपका मन करे कि नो कोई घर पे आता है या फिर आपका मन होता है कि कुछ अच्छा सा एक पीस जो अपने घर में बना के रखना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द प्राइस इज़ 90 रुपीज़, सो आई थिंक इट वॉज फाइन, मत चीप था। 90 रुपीज़ में आपको 6 कैंडल्स सेंटेड मिल रही हैं, सो इट्स गुड, सो आई लाइक इट। एंड नाउ द लास्ट परचेज, लास्ट क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ नहीं था खरीदने को, सो स्टिल आई मैनेज टू बाय दीज 5 थिंग्स। एंड लास्ट परचेज आई लाइक द मोस्ट, ओके ये अभी इसके अंदर ही है, सो ये आई लाइक, सबसे अच्छा मुझे यही परचेज लगा। इसमें 3 टाइप्स की इयररिंग्स हैं छोटे छोटे, मैं छोटे प्रेफर करती हूँ बिकॉज जनरली मैं छोटे ही पहनती हूँ आने जाने में, तो कहीं मुझे वेकेशन पे जाना होता है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन पे जाना होता है देन आई यूज द बिगर वन। सो नाउ दिस इज वेरी नाइस और 3 मिले मुझे, 260 के थे ये, कैसे लिखेंगे, ये बिल्कुल ऐसे गोल में है, ये ऐसे एक नॉट सी है इसमें, और ये सिंपल ऐसे राउंड से हैं, हाफ राउंड, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे एंड दिस इज़ द बेस्ट परचेज। 260 में गुड क्योंकि इतना ही मिलता है हर जगह, बट यस कोई डिस्काउंट नहीं था तो एवरीथिंग इज़ ऑन MRP। सो नाउ मूविंग ऑन टू द मार्केट 99। सो मार्केट 99 की ये मेरी पहली परचेज है एंड आई वॉज सो हैप्पी विद दिस एंड आई वुड रेदर वॉन्ट टू गो टू मार्केट 99 देन दिस मिनीसो, बिकॉज उसका रीज़न एक ये भी है कि बहुत ही मुझे चीप लगा मिनीसो से, और कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी मिनीसो से वो मुझे मार्केट 99 में मिली, सो दैट्स द रीज़न आई वॉज हैप्पी टू गो देयर। नहीं जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यार इतने चीप चीज़ें भी मिल जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द मार्केट 99 स्टफ। सो फर्स्ट इज दिस बास्केट, दिस बिग बास्केट, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आप देख सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने अमेजोन से मंगवाया था। अमेजोन में सबसे बात क्या होती है कि आपको साइज़ का नहीं पता होता और वो छोटे ही साइज़ होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि इसमें कितना स्पेस है। सो मैं वहाँ अगर सामने सामने से मैंने लिया तो आई जस्ट फाउंड इट वेरी बिगर, देखो कितना ज़्यादा बड़ा है ये, एंड इट कॉस्ट मी 200 199 बिकॉज मार्केट 99 है, सो एवरीथिंग इज इन ऑड नंबर्स, सो 199 की थी ये, सो आई जस्ट फाउंड इट वेरी यूजफुल एंड वेरी बिग, इसमें आप अच्छा अमाउंट ऑफ सामान डाल सकते हो। सो या सो बीच कलर मुझे सबसे सोबर लगा, बाकी तो बहुत ही ब्राइट कलर्स थे, सो आई फाउंड इट नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परचेज।
this is plastic, so you can carry easily and कुछ भी रख सकते हो आप इसमें. Okay, so the second purchase is this painting I bought from there, and this is so nice painting. And इसमें क्या लिखा हुआ है? The fondest memories are made when gathered around the table. So this is more of the kitchen part. इसमें spoon और fork बना हुआ है. तो मैं obviously अपने kitchen में use करूँगी या फिर अपने dining table के साथ में use करूँगी. And I like this painting a lot. और इसका प्राइस था 349, जो थोड़ा सा प्राइस ही था, but it's fine. मैं एक्चुअली बड़ी वाली देख रही थी तो वो और ज़्यादा मुझे महंगी लग रही थी. बट एक और रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आई, बिकॉज आई वेंट देयर अलोन. मैं अकेले गई थी, नॉट विद माई हस्बैंड. सो मैं बहुत ज़्यादा सामान कैरी करके घूमना नहीं चाह रही थी. सो इसलिए मैंने छोटी वाली पेंटिंग ली, जो मुझे ये भी अच्छी लगी. और वहाँ पे और भी ज़्यादा यार, वन थिंग आई लाइक अबाउट मार्केट 99 इज़ वेरी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स आर देयर. और बहुत छोटे से लेके बड़े से लेके हर चीज़ वहाँ है. लाइक किचन का तो है ही, बट उसके अलावा भी वहाँ पे होम डेकोर के आइटम्स है एंड वेरी ट्रेंडी एंड वेरी स्टाइलिश. सो आई लाइक देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अभी नहीं लाई हूँ, बट येस आई विल गो देयर एंड आई विल बाय मोर थिंग्स फ्रॉम देयर फॉर श्योर फॉर श्योर. सो दिस इज द सेकेंड आइटम एंड नाउ द थर्ड वन. सो येस, मैंने कहा था ना कि मुझे मिनी शो में नहीं मिला, बट मुझे ये हुक्स जो थे वो मार्केट 99 में मिले एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे को ये मिल गए. मुझे यही चाहिए. सॉरी, एक्चुअली ये ऐसे दिखते हैं यहाँ पे इसको. इनका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको ये जो कील ठोक ठोक के जो अपनी दीवारों में जो वो जो होल कर देते हैं वो मुझे नहीं चाहिए. इसलिए ये आर स्टिकॉन्स. ये स्टिकॉन्स वाले होते हैं जो स्टिक हो जाते हैं, और इसमें आप इसमें भी 1 kg का लोड कर सकते हो. और जो वो मैंने लिए थे मिनीसो से, दैट वॉज बिगर, बट उनका भी 1 kg ही था. सो आई थिंक दिस इज बेटर परचेज एंड यस दिस वॉज सो चीप. एंड इसका प्राइस है 69. सोचो 190 एंड 69, ऑलमोस्ट मोर देन 100 rupees का इसमें मार्जिन था. सो आई थॉट कि मैं पहले मार्केट 99 क्यों नहीं चली गई, बट इट्स ओके इट्स फाइन, वो भी एक्सपीरियंस हो गया. बट आई जस्ट लव दिस परचेज, चीप एंड बेस्ट. बाद में देखते हैं इनको यूज करके कैसा होता है क्वालिटी वाइज. सो अभी के लिए तो आई लाइक इट. एंड द नेक्स्ट वन इज पीलर बेसिकली. तो जैसे आपको कुछ जिंजर अदरक या फिर कुछ भी छोटा मोटा जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उसके लिए बेस्ट था. बहुत ही ज़्यादा चीप लगा मुझे, क्योंकि ये बोथ साइड से पील कर सकते हो. यहाँ से भी आप पील कर सकते हो इसको, और यहाँ से तो है ही मतलब ऑप्शन. सो दे आर टू वेज वी कैन यूज दिस दिस स्मॉल टाइनी थिंग एंड दिस वाज प्राइस 59. सो आई थॉट व्हाई नॉट बाइंग दिस प्रोडक्ट. आई वॉज हैप्पी विद दिस. तो मैंने बिना सोचे समझे ही ले लिया, बिकॉज ये बहुत काम की चीज़ है. तो यार किचन में कुछ भी मतलब काम की चीज़ होती है वो मुझे लगता है ले लेनी चाहिए विदाउट थिंकिंग. तुम्हें नहीं पता होता कब क्या यूज हो जाए. दिस इज द नेक्स्ट परचेज. दिस इज बहुत कॉमन है, सबके घर में होता होगा, बट मेरे घर में नहीं था. अभी कर लो सब अभी कर लो. भाई प्लीज बंद कर दे. सो दिस इज स्किमर. हिंदी में इसको बोलते होंगे. हे भगवान, मेरे बोलने पे क्यों शुरू हो जा रहा है. सो दिस इज द स्किमर. इसे आप करछी बोल सकते हो, जो बेसिकली सबके घर में होता होगा. एंड ये बेसिकली पूड़ियाँ तलने, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए काम आती है, जो मेरे घर पे नहीं थी काफ़ी टाइम से. आई वॉज लुकिंग फॉर इट. मेरे पास था बट ये वाला नहीं था. उसमें जो छोटे छोटे जो होल होते हैं वो वाला था, जिसमें
बहुत ज़्यादा ऑयल गैदर हो जाता है एंड मुझे नहीं चाहिए था वो, और मुझे ये वाला चाहिए था, तो मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे, तो आई जस्ट बॉट इट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि मुझे ये चाहिए था काफ़ी टाइम से. सो एंड इसका बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, जस्ट 149 एंड इट वॉज अ गुड परचेज. बस थोड़ा सा मुझे यहाँ से टेढ़ा सा लग रहा है, बट इट्स फाइन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही काम करेगा जो उसको करना है. सो या, सो नाउ अनदर किचन थिंग, दिस इज अ रोस्टर. ओके, दिस इज द रोस्टर. इसमें आप चीजें रोस्ट कर सकते हो एज द नेम सजेस्ट. तो ये मुझे काफी टाइम से चाहिए था, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे चाहिए होती है, बट वो है ना कि हम लेते ही नहीं है, हमें लगता है हाँ ठीक है यार क्या जरूरत है, कभी देख लेंगे होगा तो. सो इट वॉज लाइक दैट. सो मैंने देखा वहाँ पे, सो आई थॉट आई जस्ट वॉन्टेड. मेन क्या है कि आप जब बैगन का भरता वगैरह रोस्ट कर, आई मीन बैगन रोस्ट करते हो, देन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आज ही मुझे बैगन का भरता बनाना है. तो मैं वेट कर रही थी कब मैं ये वीडियो बनाऊँ, शूट करूँ और इसको यूज़ करूँ. तो यस, सो आज मैं बैगन का भरता बनाने वाली हूँ. तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, छोटा सा है एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके इसमें वो भी है, हैंडल भी है, तो आप अच्छे से इसको रख सकते हो, उठा सकते हो, और आई थिंक ये पिज्ज़ा वगैरह बनाने के काम भी आ सकता है अगर निकल ले भाई. सो पिज्ज़ा वगैरह बनाने की भी काम आ सकता है. जनरली मैं पैन के अंदर जुगाड़ करती थी, प्लेट वगैरह रख लेती थी, उसके ऊपर पिज्ज़ा बना लेती थी. सो नाउ आई थिंक दिस विल बी सो यूजफुल फॉर मी, और मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ इसमें और ज़्यादा. सो यार आई लाइक इट, एंड इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट वॉज जस्ट 99 rupees. आई एम जस्ट लविंग मार्केट 99. आई विल डेफिनेटली गो अगेन एंड बाय मोर थिंग्स फ्रॉम देयर. वहाँ पे पता है बहुत सारी चीज़ें थी, वासेस थे और पेंटिंग्स थी और बहुत अच्छे अच्छे लाइट्स थी घर के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी एक्साइटेड कि मुझे ये भी लेना है. बट या ड्यू टू लेस रिसोर्सेस मैं अकेली थी जो दो दो सामान उठा के ले जा रही थी, तो मैंने नहीं लिया वो रिस्क, बिकॉज आई थॉट कभी भी ले सकते हैं, इट्स जस्ट नियरेस्ट टू माई प्लेस, 15-20 minutes में हम पहुँच जाते हैं. सो जब नेक्स्ट टाइम हम गाड़ी वाड़ी निकालेंगे तो सामान भर के लेके आऊँगी आई एम श्योर. एंड या आप कुछ रह गया है, एक्चुअली ऑलमोस्ट सब हो गया है, बट ये वैसे मुझे दिखाना नहीं था, बट मैं फिर भी दिखा देती हूँ. जिस ये गोलियाँ हैं छोटी छोटी इमली की, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे थी, और मुझे देखकर ही थोड़ा सा, मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा खाई हैं, तो ये इमली की गोलियाँ आई एम श्योर लड़कियों को बहुत पसंद होगी, कि कभी कभी मन करता है ना ऐसे खा लो, मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाता है. एंड दिस इज़ फॉर 99 rupees. सो या आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो गुड. सो मैं, दिस वॉज द लास्ट परचेज एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर परचेजिंग ऑल दिस स्टफ फॉर माई किचन एंड माई हाउस. आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज जो मेरी वीडियोज देख रही होंगी, अगर आई डोंट नो इसके ऑनलाइन कुछ है कि नहीं, बट या ऑफलाइन है, और काफ़ी ब्रांचेस मैंने देखी, दिल्ली में भी है, नोएडा में तो चलो है ही, मैंने बता ही दिया, डीलफ में है, रोहिणी में भी है, मालवीय नगर, तो नॉर्थ साउथ का मैं ऑनलाइन देख रही थी. तो ऑफलाइन स्टोर्स तो बहुत सारे, और आई प्रेफर ऑफलाइन स्टोर्स क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको साइज पता चल जाता है, क्वालिटी पता चल जाती है. सो यस, एंड आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो. And if you really do, then please give it a thumbs up and subscribe to my channel. मुझे पता है, I'm sure बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं या फिर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. Then please subscribe to my channel and click on the bell icon so that आपको next जो मेरी वीडियो आए उसका notification मिल जाए. मैं भूल ही गई थी, ये तो 14th February आने वाला है. This is all this week is Valentine's week. आई एम सो सॉरी, वैलेंटाइन में मैं आपको ये कच्चियाँ और ये दिखा रही हूँ, बट दिस इज हाउ इट इज आफ्टर मैरिज, यू नो.
things get changed. So that's fine. Okay, so happy Valentine's Day all of you. I hope ये Valentine's Day से पहले पहले ये वीडियो आ जाए, नहीं तो मुझे कट करना पड़ेगा. So I am ending this video. So be happy, love your loved ones, and yeah, stay safe. Bye.